राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग 6। आलेख शेर जंग गर्व का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। चींची चूचू गुटरगू गुटरगू चींची चूचू गुटरगू गुटरगू। अरे भाई अब देखते ये हैं कि दादाजी आज क्या बुलवाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ और ये देखो आए दादाजी। आ छी। अरे आऊ आ छी। दादाजी राम राम। राम राम बच्चा राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम राम। दादाजी राम राम। हाय राम राम। राम राम दादाजी। हाय राम राम। आ तो नन्हे मुन्ने बच्चों कल तो तुम्हारे दादाजी बुरे फंसे। भाई पूछो क्यों? क्या? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। अरे हुआ यूं कि कल जब मैं तुम्हें गुटरगू कबूतर और ची ची चू चू गौरैया के बारे में बता रहा था तभी हमारे घर में बिल्ली और मुर्गे की आपस में लड़ाई हो गई। अब पूछो क्यों? क्यों? ओए होए इसमें पूछने की क्या बात है। इस लड़ाई की जड़ था हमारा चुगलखोर तोता मिट्ठू राम। हमारे इस शरारती तोते ने अपनी टैं टैं से बिल्ली मौसी की चुगली मुर्गे से कर दी। बस फिर क्या था, हो गई मुर्गे और बिल्ली में कबड्डी। अब पूछो क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है। ये तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारी बिल्ली मौसी और हमारा मुर्गा आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। दादाजी इतने अच्छे दोस्त हैं तो लड़े क्यों? होय 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 वही तो बतला रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कुछ दिन पहले म्याऊं म्याऊं बिल्ली और कुकड़ू कू मुर्गा सुबह की सैर को निकले जैसे रोज निकलते थे। रास्ते में उन्हें एक खीर का कटोरा मिल गया। किसका? खीर का कटोरा। बस खीर को देखते ही बिल्ली मौसी के मुंह में पानी आ गया। म्याऊं म्याऊं ने सोचा कि अब आधी खीर इस कुकड़ू कू को भी देनी पड़ेगी। बिल्ली ने भोले भाले मुर्गे से कहा, म्याऊं म्याऊं गाएं गाएं खीर अभी ना खाएं खाएं। क्या मतलब? मतलब ये कि बिल्ली ने मुर्गे से कहा, देख भाई मुर्गे ये खीर अभी बहुत गर्म है, क्यों ना ये खीर हम कहीं छिपा दें और दो तीन दिन के बाद जब ठंडी हो जाएगी तो दोनों आकर यहाँ खा लेंगे। बस फिर क्या था, बेचारा मुर्गा चालाक बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और बोला, कुकड़ू कू हूँ मुर्गा में, लाओ इसे छिपा दूँ मैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों उन दोनों ने वो खीर से भरा कटोरा झाड़ियों के बीच में छिपा दिया। तो फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, जब सुबह के 4 बजे मुर्गे ने बांग दी
जब मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है, क्या बोलता है? कुकड़ू कू। हाँ, जब मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है तो उसकी कुकड़ू कू को ही बांग देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग देना। हाँ, शाबाश। हाँ, तो जैसे ही मुर्गे ने कुकड़ू कू करके बांग दी, वैसे ही बिल्ली की आंखें खुल गईं। दोनों ने एक दूसरे को राम राम की। जब मुर्गे ने बिल्ली से कहा कि बिल्ली मौसी, सुबह की सैर के लिए नहीं चलोगी क्या, तो बिल्ली ने बहाना बनाकर कहा, मुर्गे भाई, आज तो मैं जरा अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसके लड़का हुआ है, जरा उसे देखाऊं। तो फिर मुर्गे ने क्या कहा? मुर्गे ने खुशी से बधाई दी, मगर हमारे चुगलखोर तोते को शक हुआ। वो बिल्ली के पीछे पीछे डाल डाल, पात पात उछलता कूदता वहाँ तक पहुँच गया, जहाँ खीर का कटोरा छिपा था। तोते ने देखा बिल्ली बड़े मजे में आंखें बंद किए उस कटोरे की आधी खीर चट कर गई, और जबान से मुंह साफ करती हुई वापस मुर्गे के पास आई। तो मुर्गे ने पूछा, कहो बिल्ली मौसी, देखाई अपने भांजे को, कैसा है, क्या नाम रखा है उसका? तो बिल्ली ने कहा, मुर्गे भाई, उसका नाम है अदचट। क्या? अदचट। अदचट क्यों? क्योंकि आधा कटोरा वो चट कर गई, इसलिए उसने कहा अदचट। और बच्चों, दूसरे दिन बिल्ली ने कहा, अरे भैया मुर्गे, रिश्तेदारी का मामला है, आज तीसरी बहन के घर भी लड़का हुआ है, उसे देख आऊं। अब पूछो क्यों? क्यों क्यों? क्या उसको बाकी खीर जो खानी थी? बिल्ली वहाँ गई, चट 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 सारी खीर चट कर गई, और हमारा तोता अमरूद के पेड़ पर बैठा सब कुछ देखता रहा। फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, बिल्ली सारी खीर चट करके वापस आई, तो मुर्गे ने कहा, बिल्ली मौसी, तीसरा लड़का देख आई, क्या नाम रखा है उसका? तो बिल्ली ने कहा, अरे भाई मुर्गे, उसका नाम रखा है सफा चट। क्या? सफा चट। क्योंकि सारी खीर चट कर गई, सफा कर गई, इसलिए उसने कह दिया सफा चट। क्या कहा? सफा चट। हाँ, मगर हमारे तोते ने मुर्गे को बता दिया। क्या? अरे यही कि ओ मुर्गे भाई, इसकी बातों में मत आ, ये तुझे बेवकूफ बना रही है, अरे सारी खीर चट कर आई है ये। अरे फिर क्या था, मुर्गा लगा बिल्ली को डांटने फटकारने, और फिर लगी बिल्ली खिसियानी खम्बा नोचने। अब तो सारे रास्ते दोनों लड़ते झगड़ते घर आए। उन दोनों की लड़ाई में तोता टें 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 करता हुआ, तालियां बजाता हुआ मजे ले रहा था। ओए होए, आखिरकार जब मैं घर पहुंचा तो मैंने दोनों की बातों को सुनकर अपने चुगलखोर तोते को बहुत डांटा और उन दोनों की दोस्ती कराई। मैंने कहा, भैया लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। क्या करो? अपने दिल को साफ करो। हाँ दादाजी, आपका तोता तो बड़ा ही चालाक निकला। ओए होए, अरे मेरे तोते ने तो मेरा क्या, पड़ोसियों का भी नाक में दम कर रखा है। जब भी बोले टें टें तोता, जब भी बोले टें टें तोता, बच्चों से कुछ काम न होता, बच्चों से कुछ काम न होता।
बच्चों तुम भी तो बोलो बोलो कैसे मेरे साथ ऐसे जब भी बोले टें टें तोता बच्चों से कुछ काम न होता ऊंची ऊंची करके टांग मुर्गे राजा देते बांग मुर्गे राजा देते बांग अरे अरे ये तो मेरे ही मुर्गे की आवाज है अरे ये बिल्ली ही म्याऊं म्याऊं ये आवाज भी मेरे ही घर से आ रही है और ये टैटे ये भी मेरे घर से है हां दादाजी ये तो म्याऊं म्याऊं टैटे आप ही के घर से आ रही है ओए होए अरे कहीं इस चुगलखोर तोते ने इन्हें फिर से ना लड़ा दिया हो अच्छा बच्चों मैं चलता हूँ कहीं वहाँ लड़ाई ना हो जाए राम 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 दादाजी दादाजी कल मिलेंगे आज दादाजी ने बताया तोते के बारे में बिल्ली के बारे में और मुर्गे के बारे में भाई कहानी भी तो मजेदार थी तो दोस्तों ये कहानी तुम्हें गुरुजी एक बार फिर से सुनाएंगे और ध्यान से सुनना कि तोता कैसे बोलता है बिल्ली कैसे बोलती है और मुर्गा कैसे बोलता है तो दोस्तों जय हिंद